यस सर, यस सर। यस सर। ठीक है, जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्योंकि मैं कॉलेज में हूँ और एक मीटिंग में मुझे जाना है। चार प्रॉब्लम में सॉल्व कराऊंगा और आपसे आपको उससे मिलती जुलती प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व करनी है। देखो ये चार प्रॉब्लम है, इसमें फर्स्ट प्रॉब्लम ये दी हुआ है कि एक बीम है, उस पर एक लोड लग रहा है आपका। कितना लोड लग रहा है? 60 किलो न्यूटन। और किस पे? सेंटर पे नहीं लग रहा है। अभी तक जो मैंने लास्ट क्लास में आपको क्लास कराई थी उसमें सेंटर पे लोड लग रहा था, लेकिन यहाँ पे इसेंट्रिक लोड है। यहाँ इधर 2 मीटर स्पेस है, यहाँ पे 3 मीटर है। फिर उन्होंने मैनुअली सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। R1 आ रहा है 36 किलो न्यूटन, R2 आ रहा है 24 किलो न्यूटन, और आपका जो शियर फोर्स डायग्राम है वो ये है, और इसके नीचे है आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो ये हमें वेरीफाई करना है स्टैट प्रो से कि क्या स्टैट प्रो भी यही रिजल्ट देता है क्या नहीं। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है? मैक्सिमम 72 किलो न्यूटन पर मीटर, लेकिन ये जो स्टैट प्रो में वो ऐसे बनाएगा, नीचे की ओर बनाता है, तो -72 दिखाएगा उसमें। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलो, एक चीज बस ध्यान देने वाली इसमें क्या है, और कुछ भी नहीं है, फिर स्टैट प्रो पे चलते हैं। ध्यान देने वाली ये बात है कि इसमें जो ये जो आपका इंटरनल स्ट्रेसेस हमारे निकले हैं, रिएक्शन, शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, ये एक्सटर्नल लोड की वजह से निकला है। ये एक्सटर्नल लोड है, पर इस क्वेश्चन में इनका साइज नहीं गिवन है। क्रॉस सेक्शन साइज जो बीम का वो गिवन नहीं है, और ना ही इसमें मटेरियल गिवन है, यानी कि सेल्फ वेट इग्नोर किया गया है। इसमें जो रिजल्ट आ रहा है वो 60 किलो न्यूटन की वजह से आ रहा है, लेकिन स्टैट प्रो में कोई भी बीम आप एनालाइज करते हो तो सेल्फ वो आपको मटेरियल और क्रॉस सेक्शन देना पड़ेगा, वरना एरर आ जाएगा। तो हम मटेरियल देंगे, क्रॉस सेक्शन देंगे, कुछ भी, लेकिन सेल्फ वेट नहीं लेंगे। अगर हम सेल्फ वेट नहीं लेते हैं तो क्रॉस सेक्शन और मटेरियल का कोई इफेक्ट नहीं आएगा लोड रिजल्ट पे, तो रिजल्ट हमारे सेम आएंगे। ठीक है, तो कुछ भी क्रॉस सेक्शन ले लो आप, रिजल्ट यही आएगा, क्योंकि हम सेल्फ वेट नहीं ले रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये कितने मीटर का बीम है? 5 मीटर का बीम है और 60 किलोमीटर लोड लग रहा है। बहुत जल्दी से इसको करते हैं, टाइम न्यू प्रोजेक्ट स्पेस, आपको पता है स्पेस सिलेक्ट करना था, डे 4 मीटर न्यूटन फिनिश। जैसे ही फिनिश किया तो ऑटोमेटिक हमारा कर्सर क्या बनाने के लिए रेडी है? बीम। तो 5 मीटर का बीम है तो हमें ग्रिड से बढ़िया कुछ नहीं है, बस 0 पे क्लिक करना है और 5 पे क्लिक करना है, और ग्रिड को यहाँ से क्लोज कर देना है। ये बन गया, और यहाँ पे आप जाओगे इस क्यूब पे, सॉरी यहाँ पे इस क्यूब पे जाओगे तो ये जो आपका आइसोमेट्रिक व्यू है ये सीधा हो जाएगा, आपका फ्रंट व्यू आ जाएगा। ठीक है, तो मैं अब बीम पे क्लिक करता हूँ, ये स्पेस। अब सेकंड स्टेप क्या है, इसको बोलते हैं मॉडलिंग करना। बीम बना दिया है, अब इसको सपोर्ट देना। सपोर्ट देखते हैं इस प्रॉब्लम में क्या है, क्योंकि एक ही रिएक्शन जनरेट हो रही है तो ये सिंपल सपोर्टेड बीम है। ठीक है, R1 R2, तो यहाँ पे हम क्या देंगे, पिन सपोर्ट दे सकते हैं। तो हम जाते हैं यहाँ पे जनरल, जनरल में सपोर्ट, सपोर्ट पे यहाँ पे क्रिएट करेंगे पिन सपोर्ट, दोनों तरफ पिन लगा देते हैं ऐड, और दोनों जॉइंट्स पे सिलेक्ट करके, जैसे ही मैंने क्रिएट करने के बाद सपोर्ट पे क्लिक किया ना, मेरा ऑटोमेटिक कर्सर देखो क्या हो गया, कैसा दिखाई दे रहा है, नोट कर्सर, ऑटोमेटिक नोट कर्सर आ गया मेरा। तो मैंने ड्रैग करके दोनों जॉइंट सिलेक्ट किए और असाइन पे क्लिक कर दिया, ये लग गए दोनों सपोर्ट। तो फर्स्ट स्टेप मॉडलिंग, जो बीम बनाना था एक सिंपल। सेकेंड स्टेप क्या है आपका, आपने दे दिया क्या कहते हैं सपोर्ट। थर्ड स्टेप है मटेरियल एंड प्रॉपर्टी। अब मटेरियल और प्रॉपर्टी क्या दें, क्योंकि हम सेल्फ वेट नहीं लगा रहे हैं, केवल एक्सटर्नल लोड की वजह से हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सेल्फ वेट नहीं दे रहे हैं तो क्रॉस सेक्शन कुछ भी दे दो, मटेरियल कुछ भी दे दो, रिजल्ट आएगा सेम। तो यहाँ प्रॉपर्टी पे क्लिक किया, डिफाइन रेक्टेंगल ले लिया, सर्कुलर ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन बीम कभी भी सर्कुलर नहीं होता है, कॉलम होते हैं, बीम नहीं होता। ठीक है, उसका रीजन मैं बाद में बताऊंगा। देखो मैं 300 mm ले लेता हूँ, 300 by 300 रेक्टेंगुलर कंक्रीट मटेरियल, ये रहा एड। अब इसको क्या करना होता है, इस मटेरियल को जो भी चीज यहाँ पे आती है उसको बीम के ऊपर अप्लाई भी करना होता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, बीम को सिलेक्ट करूंगा और असाइन पे क्लिक कर दूंगा, ये कर दिया, R1 आ गया। R1 का मतलब प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी रेफरेंस 1 यहाँ पे आ गई है। जैसे जैसे यहाँ प्रॉपर्टी ऐड करते जाओगे तो R1 R2 R3 ऐसे आती जाएंगी, क्योंकि एक ही बीम है, एक ही प्रॉपर्टी है। तो सपोर्ट लग गई, बीम बन गया और आपका प्रॉपर्टी मिल गई। अब लोड, लोड के लिए आपको यहाँ पे लोड एंड डेफिनेशन पे क्लिक करना होता था।
लोड एंड डेफिनेशन पे क्लिक करने के बाद, यहाँ पे लोड एंड डेफिनेशन के बाद आपको यहाँ पे जाना होता था, और यहाँ पे आपको करना होता था, यहाँ लोड केस पे क्लिक करने के बाद आपको, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ऐड बटन पे क्लिक करना होता था, ठीक है। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, लोड टाइप लोड, ठीक है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि लोड टाइप कौन से होते हैं, डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, स्नो लोड, अर्थक्वेक लोड, और पैटर्न क्या होते हैं, पॉइंट लोड, यूडीएल, यूवीएल, प्रेशर, लेटर लोड, ये सब। तो सबसे पहले टाइप बनाऊंगा मैं, तो मैंने इस पे क्लिक किया, ऐड किया, और डैडी बना लेते हैं। मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि वो जो लोड लग रहा है वो डैडी है, लाइव मान लो आप, जो 60 किलोमीटर लग रहा है वो लाइव लोड है। ऐड किया, क्लोज। अब इस लाइव लोड पे क्लिक करना है, फिर ऐड करना है। किस टाइप का लोड है वो, पॉइंट लोड का, तो किस में जाएंगे, मेंबर लोड में, क्योंकि वो जो लोड लग रहा है वो आपका किस पे लग रहा है, जॉइंट्स पे नहीं लग रहा, वो आपका बीम के ऊपर लग रहा है, बीम को स्टैट प्रो में कहते हैं मेंबर, इसलिए हम जाएंगे यहाँ पे मेंबर लोड के अंदर, ठीक है। तो मेंबर में गए तो अब इसके अंदर बहुत सारे पैटर्न्स हैं लोड के, लेकिन हमें पॉइंट लोड लगाना है। जैसे एक और चीज बोलते हैं हम, कंसंट्रेटेड फोर्स, तो कंसंट्रेटेड फोर्स पे क्लिक किया, यहाँ पे वैल्यू डाली कितनी है, 60 किलो न्यूटन माइनस, यानी कि डाउनवर्ड के लिए। अब देखो यहाँ पे ये चीज समझनी है, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रिक नहीं है, अगर ये लोड सेंटर में लग रहा होता तो आपको कुछ नहीं, बस ऐड कर देना था, ऑटोमेटिक सेंटर पे ले लेता, लेकिन वो सेंटर पे नहीं है, तो इस चीज को समझना। ये आपका बीम है, ठीक है, ये डिस्टेंस जो है आपकी, ये डिस्टेंस ये है D1, ठीक है। D2 को मैं कैसे समझाऊं, D2 को समझो, अगर इसकी विड्थ होती, इसकी ऐसे विड्थ होती तो इस डायरेक्शन में लोड को मूव कराने के लिए D2 यूज होता, तो D2 की तो मैं कोई जरूरत नहीं, केवल D1 की जरूरत है, वो भी 2 मीटर पे, ठीक है। तो मैं यहाँ 2 मीटर डाल देता हूँ, 2 मीटर बस, और इसको ऐड कर देता हूँ, क्लोज। अब इस लोड को अप्लाई भी करना है इस बीम के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन मार्क आ रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है, इसको अप्लाई करना है बीम के ऊपर। तो क्या करूँगा मैं, पहले लोड पे क्लिक करूँगा, फिर बीम पे क्लिक करूँगा, फिर असाइन पे क्लिक कर दूंगा, यहाँ पे असाइन टू सिलेक्टेड बीम लेकर, कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं, चारों ऑप्शन है आपके ऊपर है, आप कौन सा ऑप्शन यूज करते हो। ये लोड लग गया, ठीक है, आपको दिख भी रहा होगा कि ये है आपका 2 मीटर और ये है 3 मीटर, इसी तरह से, तो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। अब आपको याद होगा कि जब भी किसी चीज को एनालाइज करते हैं तो एक स्टेप हमें करना होता है, यहाँ पे एनालिसिस एंड प्रिंट, इस पे क्लिक करेंगे, बस ऐड कर देंगे, क्लोज, और सारे ऑप्शंस के बताए जाएंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही। और यहाँ पे एनालिसिस पे यस ये कर देना, यहाँ पे आपको क्या चेक करना है कि कोई एरर ना हो, वार्निंग आएगी, वार्निंग को भी मैं डिटेल में बताऊंगा कि होती क्या है, नोट्स क्या होते हैं, लेकिन अभी बस आपको चेक करना है कि एरर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी हमारा एरर 0 है, तो मैं डन करता हूँ, डबल क्लिक करके रिजल्ट वेरीफाई करता हूँ। शियर बेंडिंग पे जाते थे हम, ये क्या है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, कितना 72 देख रहे हो आप, यहाँ 72 किलो न्यूटन मीटर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, रिजल्ट में क्या है, मैनुअली रिजल्ट में 72 आप देख सकते हो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। शियर फोर्स कितना है, 36, एक सेकेंड होल्ड करो, ठीक है। तो 36, और रिएक्शन एक एक साइड पे आ रही है, ए पॉइंट पे आ रही है रिएक्शन, कितनी, 36, बी पे 54, 24, और शियर फोर्स डायग्राम ये है, इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। क्या करना होगा हमें यहाँ पे, बेंडिंग मोमेंट क्योंकि जेड में है, ये भी मुझे एक बार बताना है आपको, आज तो बिजी हूँ थोड़ा सा, लेकिन शियर फोर्स के लिए आपको वाई पे क्लिक करना होगा, यहाँ पे शियर वाई, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये शियर फोर्स डायग्राम आप मैच करा सकते हो। शियर फोर्स डायग्राम भी इस तरीके से है, यहाँ 36 है रिएक्शन और यहाँ पे 24, तो ये प्रॉब्लम वेरीफाई हो गई। कोई डाउट हो तो जल्दी से कोई डाउट पूछो, वरना मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम फिर कराता हूँ। है किसी का डाउट, 17 स्टूडेंट है, नो सर। नो, ठीक है। अब देखो दूसरी प्रॉब्लम क्या है, हाँ बताओ सर, ये जरूरी है कि हम पहले सपोर्ट लगाए बाद में मटेरियल असाइन करें, हम नहीं, पहले नहीं मटेरियल, कुछ भी करो, पहले आप प्रॉपर्टी दे सकते हो बाद में सपोर्ट, पहले लोड दे दो बाद में प्रॉपर्टी बाद में सपोर्ट, ठीक है, सर कुछ भी दे दो, लेकिन लास्ट में जो रेडी होना चाहिए हमारा, उसमें सपोर्ट भी होनी चाहिए, मटेरियल भी होना चाहिए, क्रॉस सेक्शन भी होना चाहिए।
तभी वो एनालिसिस करेगा। ठीक है, अब ये दूसरी वाली प्रॉब्लम देखो, ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। ये किस टाइप का बीम है? ये तो एक सिंपल सपोर्टेड बीम था, ठीक है, हो गया। ये वाला कैसा है? प्रॉप कैंटिलीवर है। देखो यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है बी पॉइंट पे, ए पे सपोर्ट है और एक यहाँ पे सी पॉइंट पे सपोर्ट है। तो नंबर ऑफ बीम, क्योंकि हम नंबर ऑफ बीम काउंट करते हैं सपोर्ट टू सपोर्ट, तो यहाँ पे एक बीम ये है, दो बीम ये है, यहाँ पर दो बीम है, एक 3 मीटर का बीम है, एक 2 मीटर का बीम है। तो दो बीम बनाने हैं हमें यहाँ पे, ठीक है। यहाँ की यानी कि यहाँ पर भी एक जॉइंट आएगा, क्योंकि बिना जॉइंट के सपोर्ट नहीं लगती है। यहाँ पर भी एक जॉइंट होगा और एक यहाँ पर भी एक जॉइंट होगा। तो 3 मीटर ये और 2 मीटर ये, ठीक है। इसमें दो तीन नई चीजें हैं इस वाली प्रॉब्लम में। मैं न्यू प्रोजेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, हो सकता है मैं यही प्रॉब्लम कराऊं लास्ट वाली, क्योंकि अभी फोन आ गया। ठीक है, तो 0 पे क्लिक किया, 3 और 5 पे, मैंने कहां कहां क्लिक किया, 0, 3 और 5। तो ये दो बीम बन गए। मैं ग्रिड को क्लोज कर देता हूँ देखो, और इसको क्यूब से मैं सीधा कर लेता हूँ। ये हो गया, यहाँ पर सब पे रिएक्शन, आपकी जो सपोर्ट है वो यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे फ्री है, यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं लगानी। तो मैं जल्दी से करता हूँ, क्योंकि आपको स्टेप पता ही है, सपोर्ट क्रिएट पिन सपोर्ट एड। इस पिन सपोर्ट को मैं लगाऊंगा यूज कर्सर करके, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे कहीं है येरी, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर फ्री है। फिर मैं जाता हूँ आपका प्रॉपर्टी डिफाइन रेक्टेंगुलर 400 बाय, देता हूँ मैं 0.4 बाय 0.4, कुछ भी दे सकते हो, क्योंकि हम सेल्फ वेट नहीं ले रहे, मटेरियल यही रहेगा कंक्रीट। एड क्लोज, इस प्रॉपर्टी को भी इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। असाइन टू व्यू, दोनों बीम पे चला जाएगा। R1 दो बीम है हमारे पास। अब आता है मेन, इसमें जो आता है वो आता है लोड। दो तरह के लोड हैं देखो इसमें। ये वाला लोड है मेंबर लोड। टाइप क्या है दोनों को हम मान लेते हैं, दोनों लाइव लोड के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसका पैटर्न कैसा है, पॉइंट लोड है, कंसंट्रेटेड फोर्स है, लेकिन मेंबर के ऊपर लग रहा है, मेंबर लोड। लेकिन ये वाला जो लोड है 5 किलोमीटर, ये मेंबर पे नहीं लग रहा है, जॉइंट पे लग रहा है, इसको बोलते हैं नोडल लोड, ठीक है। तो ये दो तरह के लोड हैं आपका, ये कैसे लगाने हैं, लास्ट प्रॉब्लम है, फोन आ गया, ठीक है, मैं कर लेता हूँ। तो मैं जाता हूँ लोड एंड डेफिनेशन, लोड केस एड, और यहाँ पे लाइव लोड, यहाँ पे टाइटल भी लाइव लोड लिखोगे आप, समझने के लिए अपना नाम भी लिख दोगे, वो रन जब भी करेगा रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब लाइव लोड पे क्लिक करा, ऐड किया, सबसे पहले मेंबर लोड के अंदर कंसंट्रेटेड फोर्स कितना है 40 किलो न्यूटन, और D1 कितना है 2 मीटर। तो यहाँ पे -40 डाउनवर्ड के लिए और D1 की वैल्यू 2 मीटर, क्योंकि 2 मीटर पे लगेगा ऐड। उसके बाद ऊपर है इसके नोडल लोड। नोडल लोड में आप ये देखना है आपको डायरेक्शन माइनस हो गई, तो FY बोलेंगे इसको, तो यहाँ -5, बस इतना करना है। इसमें डिस्टेंस विस्टेंस तो डालनी नहीं होती, क्योंकि एक नोड पे 6 रिएक्शन जनरेट हो सकते हैं, इसलिए 6 वैल्यू दी हुई है, हम एक ही लोड लगा रहे हैं इसमें। एड क्लोज। अब देखो आप यहाँ पे ये वाला जो लोड है आपको इसको ध्यान से इसी बीम पे अप्लाई करना है, वरना ये इस पे भी लग जाएगा, इसको इस जॉइंट पे अप्लाई करना है। तो मैंने इस पे क्लिक किया, इस बीम को सिलेक्ट किया और असाइन टू सिलेक्टेड और असाइन, ठीक है। इसमें एक गड़बड़ हुई है, अभी बताता हूँ क्या। अब मेरे को क्या करना है, नोड कर्सर से पहले इस कर्सर को, इस लोड को सिलेक्ट करना है, फिर नोड कर्सर से नोड को, फिर असाइन, ठीक है। लोड लग गए, लेकिन एक गड़बड़ हुई है मुझे लग रहा है, अभी देखते हैं यहाँ पे ये, हाँ ठीक है, मुझे लगा इधर है, ठीक है, इसी तरह से लोड लगेंगे। बस आपको एक बार क्या करना है, क्योंकि न्यू प्रोजेक्ट किया था मैंने, उसी प्रोजेक्ट में काम नहीं किया, तो एक बार फिर करना पड़ेगा एनालिसिस एंड प्रिंट, और एनालिसिस कोई एरर नहीं, डन। अब इसमें देखो, इसमें एक नई चीज और आ गई, मैं इस बीम पे क्लिक करूंगा ना तो केवल इस बीम का रिजल्ट दिखाएगा, इस बीम पे क्लिक करूंगा तो इस बीम का रिजल्ट दिखाएगा, मेरे को दोनों का चाहिए एक साथ, ठीक है, दोनों का डबल क्लिक करके नहीं आता है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं, देखो इस बीम का जो रिजल्ट है वो इतना है,
इतना इस बीम का रिजल्ट है। पहले इसको देख लेते हैं, डबल क्लिक किया और आपका शियर देखो वैसा ही आ रहा है। अब दूसरे बीम पे डबल क्लिक करते हैं तो उसका भी सही आ रहा है। बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है इस पे, 10, और इस पे कितना आ रहा है, -20। देखें जरा, देखो बेंडिंग मोमेंट भी 20 और 10, बेंडिंग मोमेंट भी सही आ रहा है। तो इस लास्ट प्रॉब्लम के साथ, अभी और भी प्रॉब्लम है अगर वो काम ना होता तो, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, नहीं कि इसको हम टोटल को रिजल्ट कैसे देखें। तो आपको टोटल को आपका देखना है, तो यहाँ पर देखो MZ है एक, जहाँ मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है इस वाले पैनल में, ये MZ यानी कि मूवमेंट। तो इस मूवमेंट पर मैं क्लिक करूंगा तो डायग्राम बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल दबा के अगर आप माउस के स्क्रॉल को घुमाओगे ना, तो ये जूम बड़ा कर सकते हो डायग्राम को। अब MZ को मैं ऑफ करता हूँ FY, क्योंकि शियर फोर्स FY में होता है, तो ये शियर फोर्स डायग्राम, ठीक है, ये हो गया। अब हमें यहाँ पे वैल्यू देखनी है, कि वैल्यू भी यहीं पे लिखे आ जाए। तो आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है जीवस में एनालिसिस, सॉरी आपको जाना है व्यू टूल में, और व्यू टूल में आपको जाना है व्यू मैनेजमेंट टूल बार ऑप्शन स्ट्रक्चर टूल टिप स्ट्रक्चर डायग्राम। यहाँ से नहीं आएगा आपका, पोस्ट प्रोसेसिंग में से आएगा, ठीक है। तो इसको अभी नहीं बता रहा मैं, कंफ्यूज हो जाओगे। इसको जैसे इस पे क्लिक किया तो यहाँ के कुछ सेटिंग चेंज हो जाती है, ठीक है। आप देखो दोबारा से, मॉडलिंग पोस्ट प्रोसेसिंग, मॉडलिंग पोस्ट प्रोसेसिंग, ठीक है। तो अब मुझे किसी इमरजेंसी जगह जाना पड़ रहा है, ठीक है। तो मैं क्लास को यहीं करता हूँ, जो भी डाउट होगा ना मैं आपका कल को, ये रात को आपको वीडियो में अपलोड कर दूंगा, और कल को मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। कल थोड़ी लंबी क्लास ले लेंगे आज के लिए।